नमस्कार दोस्तों, और आज जो मैं आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ बड़ी अलग न्यूज़ है, क्योंकि इसमें एक बड़ा अलग व्यक्ति ने एक बड़ा ही अलग काम किया है। हम सभी लोग जानते हैं भुवन बम को, जो कि एक बहुत शानदार कॉमेडियन है। अलग ही तरह का उनका एक अलग ही ट्रेंड है उनका कॉमेडी करने का, और उन्होंने अपनी इस कॉमेडी से सबका दिल जीता है और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करा है। और आज उनका एक गाना रिलीज़ हुआ है, बहुत बेहतरीन गाना है। मैंने देखा, मुझे गाना बहुत पसंद आया बस में। और भुवन बम ने उसने एक्टिंग भी की है, गाना लिखा भी है और गाना गाया भी है, और बाकायदा उन्होंने अपने तीनों ही काम बहुत ही शानदार करे हैं। क्योंकि मैं एक म्यूज़िक फैमिली से भी बिलोंग करता हूं, और मैंने देखा उस वीडियो को, और मैं एक टीचर हूं, और इस मेरे लिहाज से मैं अगर उसको रेटिंग दूं तो 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि मैं भुवन बम का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूं। और उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है, बहुत लाजवाब काम किया है। गाने के लिरिक्स अगर आप देखें तो गाने के लिरिक्स बहुत ही शानदार हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। और अगर सिंगिंग की बात करें तो भुवन बम ने गाया भी बहुत अच्छा है, और जो भी इस गाने का म्यूज़िक डायरेक्टर होगा या म्यूज़िक कंपोज़र, तो मेरे ख्याल से भुवन बम खुद ही होंगे, क्योंकि जब उन्होंने लिखा है तो धुन भी शायद उन्होंने खुद ही डिज़ाइन करी होगी। तो बहुत अच्छा म्यूज़िक भी है, और वीडियो में इसे कहते हैं देखिए कि समझदारी से काम लेना, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, बहुत कम लोकेशन पे ही बहुत ही शानदार चीज़ बनाई गई है, जो कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, गाने को देखने का मन कर रहा है। तो भुवन बम को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप भी इस गाने को ज़रूर देखें और प्यार दें इस गाने को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई एक नया काम करता है तो हम सबकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम उसके काम को सराहें, ताकि वो उस फील्ड में और भी बेहतर काम करें। इससे पहले अमित भड़ाना का एक गाना आया था, वो भी मुझे बहुत पसंद है, और वो गाना भी बहुत शानदार था जो इक्का के साथ उन्होंने बनाया था। उसकी वीडियोग्राफी भी बहुत शानदार थी, बहुत अच्छा काम करा था उसमें, बहुत अच्छा लिखा गया था, और थॉट्स बहुत बढ़िया थी, वो भी बहुत बेहतरीन गाना था, और बहुत ज़रा सक्सेसफुल भी हुआ गाना, बहुत चला। तो हम लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि भुवन के गाने को भी हम लोग यही रिस्पॉन्स दें, और वो एक बहुत अच्छा गाना बने, सक्सेसफुल गाना बने। उसके लिए अब ये जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर है कि हम इस गाने को सुनें और लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गाना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।